नागपुर में कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है तब से लेकर अब तक कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है, जिससे शहर में कोरोना महामारी को लेकर अब खलबली मची हुई है। नागपुर में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। कोरोना इस महामारी ने नागपुर शहर में अपना पहला शिकार भी बनाया है। सतरंजपुरा परिसर में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मिला था, जिसकी जांच मेयो अस्पताल में की गई थी। दोबारा जांच में वही व्यक्ति कोरोना वायरस का पॉजिटिव होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी। इलाज चल रहा था और आज कोरोना वायरस ने उस व्यक्ति को अपना पहला शिकार बनाया और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। कोरोना का कहर पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैलता जा रहा है। नागपुर भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। जी हाँ, नागपुर में भी आज इस वक्त कोरोना के ग्रसितों की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चिंताजनक बात ये भी है कि नागपुर में एक कोरोना ग्रस्त व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं सतरंजीपुरा के गेट पर, जहाँ पर पीछे का एरिया अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी तरह से इलाके को सील किया गया है और यहाँ पर कल एक कोरोना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ये मृत्यु के पश्चात ये डिक्लेयर किया गया है कि वो उस व्यक्ति को कोरोना से वो ग्रसित था। ये अभी सब नागरिकों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जहाँ कि आप पीछे देख रहे हैं कि पूरा एरिया जो है पुलिस प्रशासन की ओर से सील किया गया हुआ है और ये नागरिकों की अब प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो घरों से बाहर ना निकले, ताकि ऐसी और कोई घटना नागपुर जैसे शहर में बढ़ने से हम इसको रोक सकें। INBCN के लिए रत्नाकर के साथ में वीरेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना वायरस कुल संदिग्धों की संख्या 80 बताई जा रही है। मेडिकल में 45 और मेयो में 35 संदिग्ध मरीज है, जिनका इलाज जारी है। कोरोना की पार्श्वभूमि पर इस वक्त हम खड़े हैं मेयो हॉस्पिटल के सामने, जहां पर पूरे विदर्भ की जो कोरोना की टेस्ट है वो यहां पर की जा रही है। और नागपुर वासियों के लिए एक बेहद ही गंभीर बात यह है कि नागपुर में एक व्यक्ति जो है कोरोना की वजह से आज मृत पाया गया है। हालांकि उनकी डेथ ये कल ही कंफर्म हो गई थी और ये कंफर्म हो गया है कि वो व्यक्ति जो थे वो कोरोना से ग्रसित थे। टेस्ट अभी भी चल रही है और ये मल्टीप्लिकेशन में ना बढ़े, इसके लिए आज हमें ज़रूरत है कि हम घर में रहे, स्वस्थ रहे। मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपने कार्य पर तत्पर है। अब ये नागरिकों की और जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अपना साथ देते हैं, बेवजह रास्तों पर ना घूमें। हमारी टीम ने और हमने अभी जो रास्ते पर जो देखा है, जहां पर व्यक्ति की डेथ हुई थी उस इलाके से लेके तो यहां तक का मेयो हॉस्पिटल तक का सफ़र हमने तय किया, तो वहां पर देखा कि बेझिझक लोग बेवजह रास्ते पर घूम रहे हैं। ये आने वाले कल के लिए एक बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। दर्शकों से निवेदन है, स्वस्थ रहे, घर में रहे और अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, आवाजाही को कम करें। मे हॉस्पिटल में जो है सारी तैयारियां, पूरा प्रशासन वहां पर चुस्त है, टेस्ट चल रही है। इस वक्त हम मे हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। INBCN के माध्यम से हम आपको यही नागपुर की खबरें जो है बार बार आप तक पहुँचाते रहेंगे। INBCN के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ अपना करके रिपोर्ट। मेडिकल में कोरोना पॉजिटिव के 8 मरीज है तो वहीं मेयो में 11 मरीज पॉजिटिव है। लोगों को बार बार घर के अंदर रहने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आखिरकार कोरोना वायरस से मृत्यु होने की शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को दहशत में रखा है। कोरोना वायरस ने भारत को भी नहीं छोड़ा है। भारत के कई राज्यों के शहरों में भी कोरोना वायरस के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको आपको बताने जा रहे हैं कि नागपुर में 19 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की कोरोना वायरस पॉजिटिव आने से मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, इस समय में हम जहाँ खड़े हैं ये वही सतरंजीपुरा चौक है। सतरंजीपुरा चौक के पीछे का ये वही परिसर है, जिस परिसर में आप ये जो सामने की जो गली जो जा रही है, जो सुनसान सन्नाटा छाया हुआ ऐसी जो सड़कें दिखाई दे रही है, वहीं से वो परिसर शुरू होता है जहाँ पे कोरोना वायरस का वो पॉजिटिव मरीज जिसकी मृत्यु हो चुकी है यहीं पे वो रहता था। अब देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जहरीले और जानलेवा साबित हो रहे हैं। अब इनकी ये जो डेड बॉडी है, इनके डेड बॉडी को उठाने के लिए इनके रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहे हैं, और आए भी क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस ये जो है ये एक ऐसा संक्रमित रोग है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को लग सकता है और बहुत जल्द एक्शन करता है ये कोरोना वायरस।
ये जानलेवा ये जो संक्रमित हुआ है कोरोना वायरस, इसका एक मरीज यहाँ पे जिसकी डेथ हुई है लेकिन परिजन उसके हाथ नहीं लगा रहे, ऐसे में कोई शमशान भूमि या कहीं जाके उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, मगर मेयो प्रशासन ने, मेयो प्रबंधक ने इस डेड बॉडी को फिर अपने इसमें ले लिया है और उसका अंतिम संस्कार वहाँ मेयो अस्पताल में उनके अनुमान के जो उनका जो एक आयोजन रहता है उसके अनुसार किया जा रहा है। इस प्रकार से कोरोना वायरस से नागपुर में एक की मौत हो चुकी है और 19 का आंकड़ा अभी भी बरकरार है, और भी संदिग्ध यहाँ पर पाए जाएंगे। जैसे कि राज्य में 873 से भी बढ़कर आंकड़ा जा चुका है, कई लोगों की मौतें हुई है, कोरोना वायरस लगातार हर किसी को अपने चपेट में ले रहा है, मौत की नींद दे रहा है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता, लोग भी आप थोड़े आवाज़ आई बताइए थोड़ा पहन करके, मैं मेरे कैमरा पर्सन वीरेन से गुजारिश करूँगा। वीरेन आप बताइए कि देखिए किस तरह से, चाहे चार पहिया वाहन हो, दो पहिया वाहन हो लोगों का, या पैदल लोग हो, ऐसे लोग चल रहे हैं मानो जैसे उन्हें कोई खौफ ही नहीं है। अब ये भाई साहब देखिए, ये एक गाड़ी यहाँ बैरिकेडिंग किया हुआ, फिर भी ये गाड़ी डालने की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चल गया है कि यहाँ पे चैनल के लोग हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, इसके बारे में कई हिदायत दी जा रही है, बार बार पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो बताया जा रहा है, मगर लोग अनदेखी कर रही है और अनदेखी के चलते ही ये कोरोना वायरस ये फिर अपने आप में बढ़ता हुआ और भी कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है, बशर्ते हमें घर में रहना होगा, तब कई कोरोना वायरस की रोकथाम हो सकती है। सतरंजीपुरा चौक से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।